नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है भोपाल समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों के मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव जारी और तेज जव के साथ मौसम में परिवर्तन होते हुए नजर आएगा तो कैसा रहेगा जबलपुर कटनी भोपाल सीधी बड़वानी ग्वालियर धार उज्जैन हरदा शिवपुरी मनसौर रायसेन साजापुर विदिशा शोपुर अशोकनगर सतना गुना खंडवा डिंडोरी होशंगाबाद समेत मध्य प्रदेश के किसी भी जिले गांव ए शहर में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप एमपी के किस जिले गांव ए शहर में रहते हैं तो दोस्तों मौसम विभाग की मान तो पूरे मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव हो रहा है उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के तापमान में एक बार फिर से वृद्धि हुई है आप सभी को बता दे रहा है। आज भी प्रदेश की बादल छाए रहने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं इसके अलावा बारिश के साथ आंधी चलने की आशंका कई कई जगहों पर है यानी कि ज्यादातर इलाकों पर गर्मी स्थानों पर कुछ हो सकता है और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में उतार चढ़ाव है कई जगहों पर दोस्तों कल जो है रात तक काफी हल्की धूप देखने को मिल रही थी शाम होते धूप होते, तो है जो है, रात मिली लेकिन दोस्तों, रात के समय में भी गर्मी के तेवर थे। की माने तो में हो है, जिसके लोगों को तापमान और, और कई जगहों पर पर परिवर्तन होने के साथ बादलों की वजह भी रहेगी इसी दौरान तेज धूप से लोगों को भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है शाम चार के करीब चली तेज हवाओं से उन्हें राहत मिली और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि धूल भरी आंधी चली वही दोस्तों यहाँ पर लोगों को पसीने छोड़ मौसम विभाग की माने ज्यादातर इलाकों पर बादल छाई रहने के साथ गर्माट शुरू रहेगी कहीं पर भी कोई बरसात की बिल्कुल भी नहीं है। और देखने को जरूर मिल सकता है लेकिन आंशिक रूप से हल्के बादल जरूर छाए रहेंगे मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर जो ना गर्मी के तेवरी देखने को मिलेंगे। प्रदेश के पर एक और नया पश्चिम आज से सक्रिय होने की संभावना है बादल छाए रह सकते हालांकि गर्मी का असर भी बरकरार रहेगा यानी कि दोस्तों कुछ स्थानों पर पश्चिम विक्षोभ और दोस्तों नए सिस्टम की वजह से जो है बूंदाबूंदी हो सकती है लेकिन ज्यादातर इलाकों पर गर्मी शुरू ही रहेगी और यहां पर मार्च के अंत तक हमें जबरदस्त गर्मी शुरू होते हुए नजर आएगी पश्चिमी हवाओं में, में गर्माहट महसूस हुई है, है जरूरी उत्तरी हवाओं के फेर में हल्की ठंड का एहसास बना है मौसम विभाग की माने तो होली के बाद तापमान में काफी बढ़ोतरी हो रही है और यानी कि चालीस डिग्री तक जाने के आसार भी जताए जा रहे हैं कई जगहों पर दोस्तों अधिकतम तापमान अड़तीस के आसपास और न्यूनतम अठारह के आसपास भी रिकॉर्ड किया जा रहा है मौसम विभाग की मान तो भोपाल समेत आसपास के इलाकों

में सोलह सीधी में सत्रह पॉइंट चार उमरिया में इक्कीस खजुरा में सत्रह नर्मदापुर में उन्नीस रतला में उन्नीस पॉइंट दो के करीब तापमान नापा गया ज्यादातर इलाकों पर गर्मी के तीखे तेवर और प्रदेश में गर्माट शुरू हो चुकी है और बादलों की वजह के साथ गर्मी बढ़ते हुए नजर आ रही है जबलपुर कटनी भोपाल समेत आसपास के इलाकों पर भी और भी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी और गर्माहट शुरू होने के साथ मौसम मिला जुला भी रहेगा एक एक जिले की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना सबसे ज्यादा जबलपुर में रात के समय बाईस तेईस तो दिन के समय दो सौ छत्तीस सैतीस डिग्री तापमान रहेगा बादल छहेंगे गर्मी के ती के तेवर भी देखने को मिल सकते और बादल भी छह रहेंगे कटनी में इक्कीस बाईस के समय दिन में छत्तीस सैंतीस बादलों के वजह के साथ गर्माट शुरू है भोपाल में तेईस चौबीस रात के समय दिन में छत्तीस सैतीस बादल छहेंगे उतार चढ़ाव जारी है तो सीधी में उन्नीस बीस इक्कीस रात के समय दिन में तैतीस चौंतीस बादल छहरेंगे उतार चढ़ाव जारी है बड़ुआनी में बाईस तेईस रात के समय दिन में सैंतीस अड़तीस बादल उतार चढ़ाव जारी रहेगा ग्वालियर में इक्कीस बाईस रात के समय दिन में छत्तीस सैतीस बादल रहेंगे उतार चढ़ाव जारी और तेज आव के साथ गर्माट रहेगी धार में इक्कीस बाईस तेईस रात के समय दिन में छत्तीस के आसपास तापमान रहेगा बादल छह चढ़ाव जारी रहेगा उज्जैन में बाईस तेईस चौबीस रात के समय दिन में छत्तीस सैंतीस बादल छह चढ़ाव जारी मौसम में बदलाव और परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है इसी के साथ हरदा में बाईस तेईस रात के समय दिन में सैंतीस अड़तीस बादल छह उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है शिवपुरी में इक्कीस बाईस तेईस के समय दिन में छत्तीस सैतीस के करीब तापमान रहेगा बादल छह उतार चढ़ाव जारी है मंदसौर में तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस रात के समय दिन में पैंतीस छत्तीस बादल छह उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार

इसी के साथ अशोकनगर में बाईस तेईस रात के समय दिन में छत्तीस सैंतीस बादल चहरिंग के उतार चढ़ाव जारी है वहीं दो सौ सतना में इक्कीस बाईस रात के समय दिन में पैंतीस छत्तीस बादल चहरिंग के उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है यहाँ पर गुना में इक्कीस बाईस रात के समय दिन में पैंतीस छत्तीस बादल चैरिंग के उतार चढ़ाव जारी है यहाँ पर बताया जा रहा है कि खंडवा में चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस रात के समय तो दिन के समय चालीस के आसपास तापमान रहेगा बादलों के वजह के साथ मौसम मिला जुला रहने के आसार है यहाँ पर डिंडोरी में इक्कीस बाईस तेईस रात के समय दिन में तैतीस चौतीस बादल छहरेंगे उतार चढ़ाव जारी और गर्माट देखने को मिल सकती है होशंगाबाद में बाईस तेईस चौबीस रात के समय दिन में छत्तीस तैतीस अड़तीस डिग्री तापमान रहेगा बादल भी छहंगे उतार चढ़ाव जारी है सिंगरौली में इक्कीस बाईस तेईस रात के समय दिन में तैतीस चौंतीस बादल छहरिंग उतार चढ़ाव जारी है उमरिया की बात करें तो इक्कीस बाईस रात के समय दिन में छत्तीस तैतीस बादल छहेंगे उतार चढ़ाव जारी है वही रतलाम की बात की तो बाईस तेईस चौबीस पच्चीस रात के समय तो दिन में यहाँ पर जो है ना पैतीस छत्तीस के करीब तापमान रहेगा बादल भी छहंगे उतार चढ़ाव जारी है राजगढ़ में बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस रात के समय दिन में छत्तीस तैतीस बादल छहेंगे उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है देवास में इक्कीस बाईस तेईस रात के समय दिन में छत्तीस तैतीस बादल छहेंगे मौसम साफ तो नहीं लेकिन गर्मी ज्यादा पड़ रही है अगले चौबीस घंटों के दौरान बादलों से थोड़ा निजात मिलेगा और साफ होगा लेकिन मंगलवार से फिर बादलों के अजय के साथ गर्मी के तीखे तेवर शुरू रहेंगे छतरपुर में दोस्तों के समय बाईस तेईस दिन में छत्तीस सैतीस के करीब तापमान रहेगा बादल छह उतार चढ़ाव जारी है मौसम विभाग की मानो अलीराजपुर में बाईस तेईस के समय तो दिन में छत्तीस सैंतीस बादल छह उतार चढ़ाव जारी है बुरहानपुर में चौबीस पच्चीस रात के समय दिन में चालीस के आसपास तापमान रहेगा बादलों की वजह के साथ परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी है इसी के साथ भिंड की बात कर तो उन्नीस बीस रात के समय दिन में छत्तीस सैंतीस बादल छह उतार चढ़ाव जारी मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहेगा यहाँ पर सागर में दोस्तों बाईस तेईस रात के समय दिन में छत्तीस के आसपास तापमान रहेगा बादल छहेंगे उतार चढ़ाव जारी है निम्स की बात कर तो बाईस तेईस रात के समय तो दिन के समय छत्तीस बादल छह उतार चढ़ाव जारी है इसी के साथ दतिया में बीस इक्कीस रात के समय दिन में छत्तीस सैंतीस बादल छह उतार चढ़ाव जारी है मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे पन्ना में बाईस तेईस रात के समय दिन में छत्तीस सैंतीस बादल छह उतार चढ़ाव जारी है वही दोस्तों शिहोर में बाईस तेईस रात के समय तो दिन के समय जो ना सैतीस अड़तीस से करी तापमान रहेगा बादल के उतार चढ़ाव जारी है रेवा में इक्कीस बाईस तेईस रात के समय दिन में तैतीस चौतीस बादल के उतार चढ़ाव जारी है शिवनी की बात करें तो तेईस चौबीस रात के समय दिन में छत्तीस सैतीस बादल के उतार चढ़ाव जारी शेडोल में उन्नीस बीस इक्कीस रात के समय दिन में तैंतीस चौतीस पैंतीस बादल के उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है दमोह में बादलों की केवजे के साथ मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा टीकमगढ़ में इक्कीस बाईस तेईस चौबीस रात के समय दिन में छत्तीस सैतीस बादल के उतार चढ़ाव जारी रहेगा जाबो में बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस के समय दिन में छत्तीस सैंतीस बादल रहने के आसार है इंदौर की बात करें तो बीस इक्कीस रात के समय दिन में छत्तीस बादल उतार चढ़ाव जारी मौसम में ठंडक और परिवर्तन जारी रहेगा मुरैना में उन्नीस बीस रात के समय दिन में छत्तीस के आसपास तापमान रहेगा बादल भी उतार चढ़ाव के आसार है इसी के साथ दोस्तों नरसिंहपुर में बाईस तेईस चौबीस पच्चीस रात के समय दिन में छत्तीस तैतीस बादल छहेंगे उतार चढ़ाव जारी है बालाघाट में तेईस चौस रात के समय तो दिन के समय दोस्तों बादलों की अवधि जारी रहेगी मंडला में बादल छहरेंगे उतार चढ़ाव जारी मौसम साफ सोहना रहने के आसार है छिंदवाड़ा में तेईस चौबीस के समय तो दिन में छत्तीस सैंतीस बादल छहंगे उतार चढ़ाव जारी है बैतूल में बाईस तेईस रात के समय दिन में छत्तीस तैतीस बादल छहरेंगे उतार चढ़ाव जारी है अनुपुर में दोस्तों इक्कीस बाईस रात के समय दिन में तैतीस चौंतीस बादल छह रहेंगे आगर में तेईस चौबीस रात के समय दिन में छत्तीस सैतीस बादल छहरेंगे उतार चढ़ाव जारी है यहां पर निवाड़ी में इक्कीस बाईस रात के दिन में छत्तीस सैतीस बादल छोटे उतार चढ़ाव जारी है यानी मध्य प्रदेश में ज्यादातर इलाकों पर गर्मी पड़ेगी कहीं पर भी कोई बरसात की गुंजाइश नहीं है तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद